कभी कभी क्या होता है, मान लिया आपके पास कैपेसिटर अवेलेबल है 2 माइक्रोफेरेट के, ठीक है, आपको चाहिए 4 माइक्रोफेरेट 5 माइक्रोफेरेट, तो आप 2 या 2 से अधिक जोड़ के लगाएंगे, या कभी कभी 4 माइक्रोफेरेट आपके पास है और आपको चाहिए 1 माइक्रोफेरेट, मतलब है 4 माइक्रोफेरेट अवेलेबल है लेकिन आपको चाहिए 1 माइक्रोफेरेट। तो हम अलग अलग तरीके से कैपेसिटर्स को जोड़ते हैं, जैसे रेजिस्टर को जोड़ते थे वैसे कैपेसिटर को जोड़ते हैं। तो कॉम्बिनेशन 2 तरीके से करते हैं, पहला है इन सीरीज। सीरीज में क्या करेंगे, हर एक कैपेसिटर की जो सेकेंड प्लेट होती है वो दूसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट से ऐड कर देंगे। जरा समझने की कोशिश करिएगा, हमने कहा ये देखो 3 कैपेसिटर्स हैं, देखो ये पहला कैपेसिटर है, फिर गैप है, फिर दूसरा कैपेसिटर है, फिर गैप है, फिर तीसरा कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तब देखिए ध्यान से, आपने क्या किया, पहले कैपेसिटर की पहली प्लेट को प्लस क्यू चार्ज दिया। अब इंडक्शन के द्वारा यहां पर माइनस क्यू प्रोड्यूस हो गया, ये माइनस क्यू हो गया और इसके आउटर सरफेस पे प्लस हो गया, और हमने क्या किया इसको इसे जोड़ दिया, तो प्लस कहां चला गया, सेकेंड प्लेट में चला जाएगा। अब सेकेंड प्लेट ये ना करेंगे सेकेंड प्लेट के अंदर जाएगा बाहर जाएगा, प्लेट ये इंडक्शन नहीं हो रहा है इसमें। हम देखो जब 2 में अंतर है, हम प्लस चार्ज इसको दे रहे हैं, इसके खुद के एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पोलराइज नहीं हो रहे, हमने इसको प्लस चार्ज दिया। बड़ा कंफ्यूजन स्टूडेंट होता है कि आप जब इसको प्लस चार्ज दे रहे हो तो इसके इधर प्लस हो जाए उधर माइनस हो जाए, ऐसा नहीं आपने क्या है? ये एक बहुत पतली प्लेट है, इतनी पतली है कि इसमें केवल एक सरफेस है, ठीक है, जैसे कुछ दुबले बोलो बहुत होते हैं, बहुत दुबले, इतने दुबले की पेट पीट मिली हुई है, नहीं मतलब लोगों से हम उसमें भी पता नहीं आते नहीं आते कब दुख कहते हैं दुबले को बोले, ठीक अब जो भी है, तो ये पेट पीट पेट पेट पी वो एक और टंग ट्विस्टर होता है ना, अच्छा अच्छा किसी से कहो पेट पीट तो हो जाए पेट पीट उल्टा हो जाएगा ना, खैर ये एक एक सरफेस का रिश्ता है। तो जब आप ये इंडक्शन हुआ है तो इसके खुद के एटम्स, खुद के जो एटम्स थे ये न्यूट्रल थे, ये प्लेट कैसी है अभी भी न्यूट्रल है, इसके खुद के इलेक्ट्रॉन और जो एटम इसका था एक एटम जो था उसका निगेटिव और पॉजिटिव ऐसे शिफ्ट हो गया बस, ठीक है, इसको पोलराइज हो जाना, और इसका जो पॉजिटिव है ना वो इधर पहुंच गया, अब इधर पहुंचा है तो इसमें कैसे चार्ज मिला, इसमें पोलराइजेशन नहीं हुआ है, इसमें प्लस चार्ज मिल गया, प्लस करंट फ्लो, करंट फ्लो कह सकते हैं, कह सकते करंट फ्लो हो, ठीक है, करंट फ्लो तब होता है जब सर्किट पूरा कंप्लीट होता है। देखो करंट फ्लो होने के लिए जरूरी सर्किट कंप्लीट हो, इलेक्ट्रॉन इधर से जाए और पूरा रास्ता कवर करके अर्थ में चले जाए तब करंट फ्लो होता है, जब तक अर्थ में ले जाएंगे तब तक करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। अब इंडक्शन से यहां माइनस क्यू प्रोड्यूस हो गया, फिर आपने इसको बाहर जोड़ दिया, फिर इसमें प्लस क्यू हो गया, फिर इंडक्शन से यहां भी माइनस क्यू हो गया, और अल्टीमेटली इसको जोड़ देते हैं आर से जोड़ देते हैं लास्ट में, ठीक है। इसका जो पोटेंशियल है आप देखो ध्यान से, क्योंकि इसमें जो आपने चार्ज दिया है तो पोटेंशियल बढ़ जाता है, इसका पोटेंशियल कितना है V1, इसका पोटेंशियल कितना है V2, इसका कितना है V3, इसका कैपेसिटेंस कितना है C1, इसका C2, इसका C3, और टोटल पोटेंशियल कितना है V। क्या चीज कॉमन है तीनों में, क्या चीज सेम है, चार्ज, तो इसका इसका V1 निकाले, इसका V2 निकाल लें, इसका V3 निकाल लें, और उठा के क्या कर दें प्लस कर दें, टोटल V निकल आएगा। डायग्राम समझा दिया, जो हमने लिखा बनाया है उसको हल्का सा लिख देंगे कि कैसे कहां चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। देखिए क्यू बराबर CV होता है ना, तो V बराबर क्या हो जाएगा Q/C, तो जब V1 निकालेंगे क्या होगा Q/C1, V2 क्या होगा Q/C2, V3 क्या होगा Q/C3, जब टोटल पोटेंशियल निकालेंगे V = क्या होगा V
वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। टोटल पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? टोटल चार्ज अपान टोटल कैपेसिटेंस, ये क्या होगा? क्यू अपान सी वन प्लस क्यू अपान सी टू प्लस क्यू अपान क्यू, कैंसिल हो जाएगा तो वन अपान सी इज इक्वल टू। यानी कि आपने क्या देखा कि द रेसिप्रोकल, सो क्या कहेंगे आप? रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। ओके, इन पैरेलल में ये तीन कैपेसिटर्स है, इनकी पहली प्लेट को एक पॉइंट जोड़ दिया और दूसरी प्लेट को अदर पॉइंट से जोड़ दिया। अब जरा समझने की कोशिश करिए, आपने ए और बी के बीच में दोनों प्लेट जोड़ी है और आप जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो पॉइंट के बीच का होता है, तो कहने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इसके इसके बीच का हमेशा सेम रहेगा, तो तीनों कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम हो जाएगा। पहली बात, वहां क्या सेम था? वहां पर चार्ज सेम था, यहाँ क्या चीज सेम है? यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। ठीक है, आपने प्लस क्यू चार्ज दिया, इसका कैपेसिटेंस सी वन है, इसका सी टू है, इसका सी थ्री है। आपने प्लस क्यू चार्ज दिया, प्लस क्यू का डिस्ट्रीब्यूशन तीन कैपेसिटर में कैसे होगा? इक्वल होगा। ठीक है, इनको अगर 20 21 रोटी ले लिया, सात सात रोटी बांट देंगे तो भाई साहब तो तीन दिन पढ़ने नहीं आएंगे, पेट खराब हो जाएगा, सात रोटी खा लोगे। इक्वली नहीं होता है, उनके कैपेसिटी के अनुसार होता है। ठीक है, और एक इक्वली नहीं हो गया, इसमें प्लस क्यू वन हो गया, इसमें प्लस क्यू टू हो गया, इसमें प्लस क्यू थ्री हो गया, तीनों का सम कितना होगा? क्यू के बराबर। तो यहाँ प्लस क्यू वन होगा तो इंडक्शन से यहाँ माइनस क्यू वन हो गया, यहाँ माइनस क्यू टू हो गया यहाँ, और इसके बाहरी सरफेस को कहां से जोड़ दिया हमने? आर से। यहां से हमने चार्ज दिया होगा इसको, किसी तरीके से डायग्राम समझ में आ गया। क्यू वन निकाल लें, क्यू टू निकाल लें और क्यू थ्री निकाल लें, ये प्लस पूरी प्लेट में है। ठीक है, तो क्यू वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी वन वी, क्यू टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी टू वी, क्यू थ्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू थ्री वी। टोटल चार्ज क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस, ये टोटल चार्ज है तो टोटल कैपेसिटेंस इंटू टोटल पोटेंशियल, ये क्या हो जाएगा? सी वन वी प्लस सी टू वी प्लस, वी से डिवाइड कर दो, सी इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू प्लस। यानी कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन का नेट या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, इसके सम के बराबर होता है। रेजिस्टेंस में उल्टा होता है, ये सीरीज का केस होता है और पैरेलल में वन अपॉन आर होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए।